प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। इस प्रकार से इसकी संरचना है कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि इस शरीर की रचना आत्मा और जीव की तरफ से हुई है या शक्ति से संसार से शक्ति के रूप में हुई है, शक्ति की तरफ से हुई है। यह निर्णय अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा। जब आप संसार की तरफ देखेंगे तो दिखलाई देगा कि शक्ति की तरफ से पंच भौतिक पदार्थों से इस शरीर की रचना शक्ति के विधान से सेल सिस्टम से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन आत्मा ईश्वर ब्रह्म की तरफ से देखेंगे, जीव की तरफ से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, शरीर की रचना जो है इस संसार के पंच भौतिक पदार्थों की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि इसकी रचना आत्मा ईश्वर ब्रह्म और जीव की तरफ से इस शरीर की रचना हुई है। जब आप संसार की तरफ देखेंगे, पंच भौतिक पदार्थों की तरफ देखेंगे, तब आपको लगेगा कि शरीर की रचना पंच भौतिक पदार्थों से सेल सिस्टम पर शक्ति की तरफ से हुई है, पंच भौतिक पदार्थों की तरफ से हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उधर आत्मा ईश्वर को ब्रह्म को और जीव को देखना शुरू करेंगे और जीव की तरफ से जब देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, शरीर की रचना जो है आत्मा और जीव की तरफ से हुआ है। जीव की तरफ से बीच में शरीर जो है मनुष्य की, इधर शरीर जो है बीच में मनुष्य की सृष्टि और परमेश्वर के प्रतिनिधि की कड़ी है। इधर आपकी शरीर संसार से आई है परिवार के माध्यम से, और इधर के जीव जो है परमेश्वर से आया है ईश्वर के माध्यम से। शरीर आई है संसार के परिवार के माध्यम से, जीव आया है परमेश्वर से ईश्वर के माध्यम से। दोनों संयुक्त रूप में आदमी है, दोनों एकीकृत रूप में आदमी है। गौर करेंगे, शरीर आई है संसार से परिवार के माध्यम से, जीव आया है परमेश्वर से ईश्वर के माध्यम से। हमारे मेजर साहब ऋतु बहादुर जी भी गौर से इसे समझने का कोशिश करेंगे, हालांकि तो बार बार मना करते हैं मेजर कहने से। हम सोचते हैं सेनाधिकारी कहें सेनाधिकारी, लेकिन सब लोग जो है मेजर शब्द इतना प्रचलित है कि मर्यादा मेजर शब्द में ही रहती है, क्योंकि अभी हमारे मेजर साहब बड़े बहादुरी के काम करते हैं। इनकी बहादुरी जो है इनसे अपने खपाता नहीं है, ये अपने बहादुरी में हरदम एकदम बहादुरी जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए मेजर शब्द बार बार याद आ जाता है कि मेजर साहब है, क्योंकि अभी बहादुर है ये। बोले प्रभु बहुत परमेश्वर की। इस तरह से जो है
अब हमारे बहादुर कहने पर फूल मत जाए, फूले तो है ही है, जितना फूले हैं अब उससे अभी फूलने का भी जगह कहाँ है। जितना फूले है उससे अभी फूलने को भड़क ही जाना है। फुलौना गुब्बारा, फुलौना समझते हैं, फुलौना कहते क्या कहते हैं आप सभी? गुब्बारा फुलौना जो बनता है संसार में फुलाने के लिए ही बनता है, यही उसका प्रयोजन है कि फुलाया जाए उसको, लेकिन वह भी अधिक फूलने लगेगा तो भड़क जाएगा। इसलिए फुलौना को औसत ही फूलना चाहिए बरकरार रहने के लिए, अधिक फूलेगा तो भी भड़क जाएगा। लेकिन हमारे मेजर साहब महसूस करते हैं कि हम चाहे जितना फूल जाएंगे हम ही साधारण फुलौना थोड़े हैं, हम वो आकाशीय गुब्बारा है, गुब्बारा ये हाइड्रोजन भर लेंगे और आकाश में उड़ते रहेंगे। तो हम जो है फिर भी मेजर साहब को जान लेना चाहिए कि फूलना भड़कने के लिए वो होता है, फुलौना का प्रयोजन क्या है, अंततः वो भड़कता ही है। भड़कना समझते हैं आप, तो भड़कना फूटना, फुलौना फूलते फूलते क्या होता है, फूट जाता है, भड़क जाता है। तो मेजर साहब भी अभी फूलना कम नहीं किए हैं, इनका फूलना अभी बरकरार है। बोले प्रभु बहु परमेश्वर की, इसलिए हम भक्त के बजाय मेजर साहब कहने में हमको भी लग रहा है, क्योंकि अभी फूलने में लगे हैं, फूल रहे हैं, तो मेजर शब्द ही कारगर रहेगा। बोले प्रभु बहु परमेश्वर की। तो आप सभी जो है यहां पर दोनों रूप दिखाई देगा एक साथ, जिस प्रकार से परमेश्वर का दर्शन करेंगे जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा, जो हम निराकार में साकार देख रहे हैं कि साकार में निराकार देख रहे हैं, परम तत्व को शरीर में देख रहे हैं या शरीर स्वयं ब्रह्मांड को परम तत्व में देख रहे हैं, दोनों एक साथ दिखाई देगा। जब हम शरीर की तरफ देखना शुरू करेंगे वह परम तत्व भगवान है, परमेश्वर है, शरीर में दिखाई देगा, शरीर संन्यासी होकर दिखाई देगा, और ज्ञान दृष्टि से जब हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को देखेंगे, ज्ञान दृष्टि से जब परम तत्व देखना शुरू करेंगे तो क्या दिखाई देगा, कि शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड उस परम तत्व में है। सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की। आप सभी भाई बंधुओं, चाहे बहुत लंबा प्रश्नावली हो तो बाद में दिक्कत तो हो, आने ही तो कहें तो आधे घंटा भी चलो इस कार्यक्रम को। भक्त को सारा कृति भगवान की दिखाई देती है, अहंकारी को सारी कृति अपनी दिखाई देती है। अहंकार की यही परिभाषा है, अहंकारी करता कुछ नहीं है आ दिखलाई देता है सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूं। एक श्लोक है गीता में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सृष्टि की जो क्रियाकलाप है, कार्य है, ये तो सब प्रकृति जो है अपने गुण के अनुसार कर करा रही है, ये तो प्रकृति जो है गुणों के अनुसार सब कुछ करती कराती है, लेकिन अहंकार के वशीभूत हुआ मूल जन जो है अपने ही को कर्ता मान बैठता है। अहंकार के वशीभूत हुआ मूल जन जो है अपने ही को कर्ता मान बैठते हैं, तो हम मूर्ख तो नहीं कह सकते ऋत बहादुर जी को, यदि कृष्ण जी भगवान, कृष्ण भगवान के परिभाषा में आते हैं तो है ही है, लेकिन हम क्यों कहें कि हे मूर्ख है, कृष्ण भगवान जी के परिभाषा में तो मूर्ख ही है, हमारे परिभाषा में हम क्यों कहें कि मूर्ख है कि नहीं है। और जब कृष्ण जी कह रहे हैं तो हमको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो है ये इतने फूले रहते हैं अपने में, सारा चारों तरफ हमारे पर आक्रमण, चारों तरफ आक्रमण ही आक्रमण है, चारों तरफ भी पता है, ये सब जगह जाकर बचाते रहते हैं।
चाहे वो बनकाली में हुआ, चाहे वो जोरपाटी में हुआ, आज चाहे वो आपके जैन निकेतन में हो रहा है, ये फूले सब कुछ अपना कहते जाए, अपने मुंह से फूलते रहे, फुलौना कर से फूल करके भड़क करने की स्थिति में चले जाए, ये अहंकार नहीं है। हम इनको मेजर साहब कह दिए, सेनाधिकारी कह दिए, तो इनको अहंकार हो जाएगा। भगत मुंह से नहीं शब्द बनता है, मुंह से कहने से कोई भगत नहीं हो जाता है। उसका हाव भाव व्यवहार आचरण वाणी सब मिलकर के भक्ति प्रदर्शित करता है। भगत का मतलब ही नहीं कि मुंह से कर दिए भगत हो गए। भगत का अर्थ यह होता है कि हमारे में अहंकार नाम का कुछ नहीं है, हमारी शरीर भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से हो रहा है, सब कुछ का कर्ता भरता हरता भगवान है और भगवान ही कर करा रहा है। हमसे भी जो कुछ किया कराया जा रहा है, ये अभी मैं कुछ करने वाला नहीं, भगवान ही इस शरीर के माध्यम से सब कर करा रहा है। ये है भक्ति की वाणी। और यह वाणी तो अहंकार के लिए तो किसकी है, आप ही तो बताइए। मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मैं यहाँ पर भी रक्षा किया, मेरे कर्तव्य यहाँ भी रक्षित रह गए, मेरे कर्तव्य यहाँ सुरक्षित रह गए। सारी दुनिया में मेजर साहब के चलते ही हमारे कार्यक्रम होते हैं। ये मेजर साहब को लग रहा होगा, दिखलाई दे रहा होगा, हमको ऐसा कुछ नहीं दिखलाई देता है। ये मेजर साहब का भ्रम और इनका मिथ्या अहंकार है। मेजर साहब लग भी जाएंगे कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं होगा। ये इनको हम जोर पार्टी में समझा दिए थे, ये कार्यक्रम भगवान का है, भगवान की तरफ से हो रहा है, सदानंद का नहीं है, परमेश्वर का है, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है, उसी का ये कार्यक्रम है, उसी की तरफ से है। वह जो चाहेगा वही होगा, वह जो नहीं चाहेगा नहीं हो सकता धरती पर। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो चाहेगा वही होगा, वह नहीं चाहेगा तो यहां कुछ नहीं होगा। यदि तो बहादुर जी मेजर साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिवाय अहंकारी अहंकार के। हम इनको जोर पार्टी में भी कहे थे कि अहंकार छोड़ी, सहायता पूर्वक भक्ति भाव में आई, अनन्य भक्त पराभक्त ही जो है भगवान पाता है। भगवान जानिए, भगवान पाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए, जीवन का ये सर्वोत्तम उपलब्धि है, चरम और परम लक्ष्य है। अंततः इसे आज नहीं अपनाएंगे, 1,01,00,000 जन्म बाद भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन अपनाना पड़ेगा। कितना सौभाग्यशाली है, कितना प्रभाग्यशाली यह शुभ अवसर घड़ी देगा है कि आप लोगों को लगातार 3-3 कार्यक्रम यह पाला जगह है काठमांडू की 16 साल के जीवन में दे रहे हैं। एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम तक देने का मौका लगा दिल्ली में, और कहीं भी ऐसा कार्यक्रम देने का मौका नहीं लगा। इस प्रकार से अमृतसर में भी कार्यक्रम दिया गया, तो पहले कार्यक्रम में हम दे करके हरिद्वार एक वेद सम्मेलन में चले आए, इसलिए पहला कार्यक्रम जो है प्रैक्टिकल नहीं हो सका, उसका भी प्रैक्टिकल दूसरे कार्यक्रम में ही हुआ, तो कई कार्यक्रम कहा। इस प्रकार से अमृत बहादुर जी से यानी अवनीत बहादुर जी कह रहे हैं कि फिर कहेंगे कि अहंकार में मत भूलिए, अहंकार में मत होइए, अहंकार को फेंकिए, कूड़ा खाने में डाल दीजिए, और यानी अहंकार रहित होइए। भक्त को मुंह से भक्त नहीं होता है, व्यवहार से, हर्ष से, चरण से, आचरण से, व्यवहार से सब मिलाकर भक्त होता है। भक्ति सिखाने के लिए तो हम आए ही हैं, भक्ति सिखा रहे हैं, भगवान मिलाते हैं, भक्ति सेवा सिखाते हैं, मुक्ति अमरता दिलाते हैं। हमारा धरती पर और कोई काम नहीं है, ध्यान ज्ञान देना, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराना मिलाना, भक्ति सेवा सिखाते कराते हुए मुक्ति अमरता दिलाना, धरती धर्म की रक्षा करना कराना,
सत्य सनातन धर्म धरती पर स्थापित करना कराना इतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इसी लक्ष्य उद्देश्य को लेकर के हम भ्रमण करते हुए विश्व बंधुत्व सद्भावी एकता आंदोलन अंतर्गत धरती धर्म रक्षा सत्य सनातन धर्म संस्थापना हम इस काठमांडू नगरी में पहुंचे हैं। बिल्कुल बंधुत्व के अंतर्गत, किसी व्यापारी के रूप में नहीं, किसी पुरुष के रूप में नहीं, किसी पर्यटक के रूप में नहीं, बिल्कुल एक बंधुत्व के रूप में आप सभी के बीच ध्यान ज्ञान भक्ति सेवा सिखाने के लिए, ईश्वर परमेश्वर मिलाने के लिए, मुक्ति अमरता दिलाने के लिए, और आपके जीवन को मात्र रोटी कपड़ा मकान में जो आप बेच चुके हैं उससे निकाल करके धरती धर्म की रक्षा में लगाने के लिए, सत्य सनातन धर्म संस्थापन में लगाने के लिए, और जीव को मोक्ष और जीवन को जश कीर्ति आप सभी को दिलाने के लिए मात्र इतना ही प्रयोजन से हम आपके नगर में आए हैं। और हमारा अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। बोले प्रभु परमेश्वर की यहीं पर खड़े यहीं पर पड़े हैं। 17 पैसा हमको नहीं दिए थे, 17 पैसा लिवा आए थे, लिवा गए थे, पहुंचा दिए थे। यही कार्की साहब है हमको लिवा जाने वाले, जरा खड़े हो जाए, हमको ले जाकर के पहुंचाए, कहे ना कि वहां जहां हमको पहुंचाए वहां को 17 रुपया 17 पैसे भी दिए हो। सामने ही कार्की साहब खड़े हैं, उनका भी ले लो अपना रिकॉर्ड भाई। ये लोग सालों पर प्रचार करते हैं, पूछेगा ना कोई कि कौन कार्की साहब है जो पहुंचाने गए थे, लिवा आने गए थे, 1000 रुपया 2000 रुपया उठाई जाता खरानी इसमें खर्च करके हम बराबर करके गए सुराट मंगल थे। तो कपड़ा मकान मात्र में जो अपने को बेच दिए उससे निकालने, धरती धर्म की रक्षा में लगाने, सत्य सनातन धर्म के संस्थापन में लगाने के लिए, भक्ति सेवा कराने और मुक्ति अमरता दिलाने के लिए हम आए हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। बोले प्रभु परमेश्वर की, इसलिए हम ऋत बहादुर जी जो है अपने नाम को सार्थक करें, ऋत भी बड़ा पवित्र शब्द है, ऋत माने संपूर्णता के इस श्लोक को ये हमेशा अपने दिल दिमाग में रखे रहे कि प्रकृति प्रिय माया नहीं जुड़े कर्माणि सर्वस्व अहंकार को मूल आत्मा करता हमित मन्यते। जब अपने अहंकार में जाएंगे तो वही मूढ़ता की परिभाषा में कृष्ण जी के माध्यम से चले जाएंगे, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। इनको वह श्लोक भी याद रखना चाहिए, यश नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य लिप्यते, यश नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य लिप्यते हत्वापि स्वइमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, जब भाव नहीं रहेगा तो कोई अहंकारी क्यों कहेगा। हम तो चाहते हैं कि आपको भक्त देखे, हम आपको भक्त कहें, लेकिन आप भक्ति के रूप में रहे तब तो भक्ति अपनाए तब। बोले प्रभु परमेश्वर, पहला किसी का अर्थी उपदेश देने में पहला आप ठीक होना चाहिए, आप ठीक होने से और का अर्थ देने से अच्छा होगा। बाप चुरट पेता है, रक्सी पेता है, छोरा को बेटा का रक्सी पहने में मना करने से वो अच्छा नहीं होता। अहंकारी बोलता है आप लोग, आप अपने अवतारी घोषित करता है, कितने बार टेप हो रहा है सुन रहा है अवतारी, कृष्ण ने भी अवतारी नहीं किया, विष्णु ने भी नहीं किया, वो तो और भक्त ने भी बोलना चाहिए वो करके, वो तो अच्छा नहीं है। आप अहंकार नहीं है, हम कैसे अहंकारी हुआ, बोलो करके दिखलाते हैं। और आपके ही शहर बाजार गांव के लोग, आपके नगर के लोग इसे जान देख करके सहायता पूर्वक स्वीकार करके समर्पित होकर के चल रहे हैं। अभी एक मेजर साहब उठ करके जा रहे हैं, देखिए अभी गए, अभी सामने निकल रहे हैं, वो आए भाग लिए ज्ञान पाए सब कुछ किए, मेजर कहने में भी संकोच करते हैं, कोई आकर जानता हो कि नहीं जानता हो, हमारे भले कहने से कोई जान पाया हो, रैंक आपके बराबर होगा, वो भी नेपाल सेना का मेजर ही रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। और बात छोड़ी रही बात, हम अवतारी अपने कहते हैं,
सीधे कि मैं अवतारी हूं, ऐसा वाक्य शायद नहीं निकला होगा कि मैं अवतारी हूं। यदि कहीं निकला भी होगा तो मैं इसके सच्चाई को प्रमाणित करता कराता हूं। इसका प्रत्यक्ष मैंने ये कहा है कि अवतारी का परिचय पहचान तत्व पर होता है। ऋषि महर्षि महात्मा का परिचय पहचान आली मौर्य प्रॉफिट पैगंबर पानी का परिचय पहचान ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म होता है। परमात्मा वाले का परिचय पहचान अवतारी का परिचय पहचान तत्व पर होता है। और विचारक का, स्वाध्यायी का, शास्त्राध्यायी का, वेदांति का परिचय पहचान अहम ब्रह्मास्मि होता है। रामायणी हो, गीताध्यायी हो, वेदांति हो, स्वाध्यायी हो, उसका परिचय पहचान अहम ब्रह्मास्मि से है। साधक हो, योगी हो, गति हो, ऋषि हो, मुनि हो, महर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, आदिम हो, लिया हो, अंतावतारी हो, धर्म उपदेशक हो, इसका परिचय पहचान शिव हंसो हर हंसो ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म से होता है। और भगवत अवतारी का पहचान सदा ही परम तत्व रूप आत्म तत्व सब रूप भगवत तत्व वाली शरीर आदि तत्वतः होता है, तत्व से होता है, ज्योत से नहीं, हम ब्रह्मास्मि से नहीं, किसी कर्म और गुणवत्ता की डिग्री उपाधि से नहीं, बल्कि तत्वतः उसका परिचय पहचान होता है। कर्म अवतारी का परिचय पहचान बता रहे हैं। यह कहीं आप शायद दिखा दे टेप में कि मैं अवतारी हूँ, मैं भगवान हूँ, यदि ऐसा कहीं मिल जाए तो शायद मैं आपसे यही कहूंगा कि वह मेरा दोष होगा, मेरा अहंकार होगा। मैं आपसे स्वीकार कर लूंगा कि हाँ मेरा अहंकार यहाँ है, बस अब कहीं दिखलाइए तो सही कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं भगवान हूं, मैं अवतारी हूं। ऐसा यदि कहीं शब्द वाक्य हो आप मुझे दिखाइए, मैं अहंकारी स्वीकार कर लूंगा। मुझे तो दिखलाई दे रहा है ये शरीर भगवान की है, मुझे तो दिखलाई दे रहा है ये शरीर भगवान की है, भगवान का कार्य करने पर लगी है। हम तो ये भी नहीं जानते कि सदानंद है, हर मैं मेरा नाम का भी कुछ है संसार में, सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरा है। अब भगवान मेरा है तो और कुछ मेरा है कि नहीं, ये भगवान मेरा है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा सतपुरुषों।